नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान YouTube चैनल पर। अगर पति पत्नी प्रेमिका या एक तरफा प्यार जो आपको छोड़कर के जा रहा है, जो आपको बात भी नहीं कर रहा है, जो आपको देखता तक नहीं है, तो बस एक उपाय कर लीजिए, सामने वाला आपका गुलाम बन जाएगा। कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे दूर जा रहा है, आपसे नाराज है, आपको धोखा दे रहा है या किसी तीसरे व्यक्ति के आकर्षण में जा रहा है, अगर आप उस अपने को, चाहे वह आपका पति है, पत्नी है, प्रेमी है, प्रेमिका है या आपका अपना प्यार है, जो आपको मुड़कर भी नहीं देखता, भाव भी नहीं देता, बस इस शक्तिशाली उपाय को एक बार कर लेना, नाभि पर इसे चलाकर ले लेना। उसका नाम वह इंसान जिसको भी आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, अपने से हमेशा जोड़ कर रखना चाहते हैं, इसको करते ही वह इंसान न केवल आपसे जुड़ेगा बल्कि पूरी जिंदगी सिर्फ आपकी परवाह करेगा, हर पल हर समय केवल आपके बारे में सोचेगा। तो आइए मित्रों, इस शक्तिशाली उपाय को विस्तार पूर्वक जानते हैं और अपने प्यार को वापस लाते हैं। दोस्तों, इस उपाय को जानने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि उपाय को पूरे विश्वास के साथ करें। जितनी विश्वास और धैर्य के साथ उपाय को करते हैं, उतना ही वह आपके लिए असर करता है। अगर आप इसे ठीक प्रकार से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सामने वाला आपका गुलाम बन जाएगा। तो उपाय जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहे। और अगर आप हमसे वशीकरण परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप 200 रुपए की फीस दे करके डायरेक्ट फोन कॉल के थ्रू हमसे वशीकरण परामर्श ले सकते हैं। हम 100% आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए अब जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, इस उपाय को आपको बुधवार के दिन नहीं करना है, बाकी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय को जब भी करें, स्वच्छता का विशेष करके ध्यान रखें, यानी कि अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें और अगर स्नान कर सकते हैं तो स्नान कर लें। स्वच्छ होने के बाद आपको एक स्थान पर बैठ जाना है और जहां पर भी आप बैठेंगे कोई आसन कपड़ा अवश्य बिछा लें, और आपको बैठते समय जो अपनी दिशा रखनी है वह पूर्व की रखनी है, यानी जिस दिशा से सूर्योदय होता है उस दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। दोस्तों, जब आप बैठेंगे तो अपने साथ आपको नींबू का एक बीज रखना है और केवल एक ही बीज आपको लेना है, और जब आप इसे लेकर के बैठेंगे तो इसे आपको किसी पात्र में रखना है, यानी किसी कटोरी में रख सकते हैं या फिर चम्मच वगैरह में रख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़ कर के जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसे आपको सोचना है, अपने अंतर मन में उसको याद करना है और पूरे एकाग्रचित होकर बिल्कुल भी इधर उधर दिमाग नहीं भटकना चाहिए, केवल उसी का चेहरा आपको अपने मन में दिखाई देना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी आँखें खोलनी है और यह जो नींबू का बीज है इसे आपको उठा लेना है और अपने नाभि पर चलाना है, और जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है ठीक उसी तरह से आपको नींबू के बीज को पकड़ना है और इसे नाभि पर चलाना है, और यह जो क्रिया आप करेंगे आंखें बंद करके करेंगे, यानी आंखें बंद करके आपको नाभि पर चलाना है और उस व्यक्ति का आपको 5 बार नाम लेना है। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, यह मंत्र इस बीज को अभिमंत्रित भी करेगा, और जब यह आपके नाभि से छुआ हुआ रहेगा तो इसका उच्चारण उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, और वह अपने आप चुंबक की तरह खींचा हुआ आएगा, इस तरह से आकर्षक बनेगा कि वह व्यक्ति आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा, उसका दिल उसका दिमाग केवल आपके लिए चलेगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुन लीजिए और डिस्प्ले पर देख लीजिए। ओम रुद्र समो श्रीम अमुक वस्य वस्य मंत्र का आपको 5 बार उच्चारण करना है, और अमुक के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं।
मंत्र को 5 बार उच्चारण करने के बाद इस नींबू के दाने को अपने नाभि से हटा लेना है और नाभि को अपने उल्टे हाथ से ढक देना है और फिर से आंखें बंद करके उस व्यक्ति का 5 बार नाम लेना है। इतना करने के बाद आपको उस स्थान से खड़े हो जाना है और इस बीज को अपने पास रख लेना है और सुबह अगले दिन जब आप स्नान करेंगे तब इस बीज को किसी भी गमले के मिट्टी में दबा देना है। अगर गमला नहीं है तो आंगन में कहीं आसपास मिट्टी है तो वहां भी आप दबा सकते हैं, बस साफ जगह होना चाहिए। दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद सामने वाला व्यक्ति कुछ ही घंटों में आपके लिए तड़पने लगेगा, आपके लिए बेचैन होने लगेगा और जो आपसे दूर जा रहा था वह खुद आपके पास आएगा, अपने गलतियों के लिए आपसे माफी मांगेगा। बस आपको सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करना है और थोड़ा सा धैर्य रखना है। सामने वाला निश्चित तौर पर आपके कदमों में होगा और हमेशा आपका ही बना रहेगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।